नमस्कार दोस्तों, अगर हम लोग जो है ज़मीन का प्लॉट ख़रीदते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई भी बिल्डर लोग होते हैं, प्लॉटिंग उन लोग बड़े बड़े बिल्डर लोग क्या होते हैं कि उन लोग छोटा छोटा प्लॉट काट कर बेचते हैं। जैसे मान लीजिए 1500 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, 2500 स्क्वायर फीट या फिर जो है 3000 स्क्वायर फीट, इस तरीके से करके जो है उन लोग छोटे छोटे प्लॉट काट के उन लोग बेचते हैं बिल्डर लोग। आपने सुना होगा बड़े बड़े बिल्डर लोग होते हैं, ठीक है। और पेपर न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि भाई इस जगह पे जो है प्लॉटिंग है कि इसका जो है संपर्क करें, ठीक है। और ऐड चलता है कि इसमें आलीशान जो है यहाँ पे प्लॉटिंग, अब अपने आपके सपनों का घर आप यहाँ पे खरीद सकते हैं कम पूंजी में, कम रेट में, आसान किस्तों के साथ, ऐसा आपने देखा होगा। अगर मान लीजिए कि बिल्डर लोगों से इस तरीके से प्लॉटिंग आप खरीदते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप बिल्डर के पास ऑफिस में जाएंगे, ठीक है। बिल्डर के ऑफिस में जाते हैं, आप वहाँ पे बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद जो है आपको दिखा देंगे कि भाई प्लॉटिंग एरिया पे जाएंगे, उनकी कॉलोनी जो बना हुआ रहता है उसमें जाएंगे जहाँ पे प्लॉटिंग वो लोग काटे हैं वहाँ पर। फिर आप देखेंगे कि भाई वहाँ पे कौन सा प्लॉट खाली जगह है, तो उसको आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे पसंद करेंगे और जो है वहाँ पे आप सौदा तय करेंगे, उनका जो भी रेट रहेगा सौदा तय करेंगे। लेकिन दोस्तों उसमें ये भी रहता है कि वो बिल्डर लोग क्या वाकई में जो है वो अपनी वो जो पट्टे का ज़मीन में जो बिल्डिंग कॉलोनी प्लॉट बनाए हैं या फिर जो है कोई सरकारी ज़मीन में प्लॉट बनाए हैं, तो ये भी आपको चेक करना जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे पहले लोग जो है सरकारी ज़मीन को कोई कब्जा कर दिया है और उसको बेच दिया है, बेचने के बाद जो है उसमें जो है प्लॉटिंग काट कर बेच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी ज़मीन को नहीं ले रहे, अगर वो वाकई में ओरिजिनल पट्टे का ज़मीन है तो वहाँ पे जो है आप उस ज़मीन को ले सकते हैं या उस प्लॉट को खरीद सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, उनके डॉक्यूमेंट चेक करें, पहले तो बिल्डर का डॉक्यूमेंट चेक करें ताकि वहाँ पे जो जहाँ पे आप ज़मीन या प्लॉट खरीद रहे हैं तो उस ज़मीन या उस कॉलोनी का पहले तो लाइसेंस देखें कि उन कॉलोनी का लाइसेंस है या नहीं है, उसको चेक कर लें। और लाइसेंस कहाँ से मिलता है, नगर निगम से मिलता है। अगर शहरांचल में है तो नगर निगम से मिलेगा, ठीक है। और या फिर जो है आप ग्रामीण साइड में थोड़ा सा है तो नगर पंचायत से जो उसका लाइसेंस मिलता है, ठीक है। तो रजिस्ट्री करण पंजीकरण वाला रहता है, ठीक है। तो वो आप लोग देख लें कि लाइसेंस देख लें कि कॉलोनी का लाइसेंस, इसके साथ में जो है आप उनका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से उनका नक्शा अप्रूवल होता है, ठीक है। जो जहाँ पे प्लॉटिंग वो लोग कटवा काटे हैं तो उसका नक्शा वो जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑफिस होता है वहाँ से उनका अप्रूवल मोहर रहेगा, ठीक है। उसके साथ में जो है वहाँ पे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में एक तो नगर निगम से भी मोहर लगा हुआ रहेगा और जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से मोहर लगा हुआ रहेगा और बिजली विभाग से भी मोहर लगा हुआ रहेगा, कई विभाग से वहाँ पे अनुविभागीय अधिकारी से भी वहाँ पे साइन मोहर स्टाम्प लगा हुआ रहेगा। ये कई जगह से जो है वहाँ पे उसमें जो है 4-5 जगह से जो है उसमें सील मोहर लगा हुआ रहता है उस नक्शे में, तब जाके वो कंप्लीट अप्रूवल मैप होता है वो, ठीक है। तो वो आप लोग चेक कर लें कि अप्रूवल मैप है या नहीं है कॉलोनी का, वो चेक कर लें। साथ में दोस्तों एक रेरा नियम है, कानून है कि ज़मीन से रिलेटेड रियल एस्टेट का जो है एक रेरा नियम है, तो उस रेरा नियम का जो है रेरा का सर्टिफिकेट ऑलरेडी उन्होंने लिया है कि नहीं लिया है वो भी आपको चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, वो है या नहीं है वो भी चेक कर लें। उसके बाद ये पूरी डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको संतुष्टि हो गया, हाँ वाकई में ये इस कॉलोनी में हम जो है ज़मीन लेने लायक है जैसा लगता है, तब जाके आप जो है उनसे सौदा तय करें। सौदा तय करके जो है आप वहाँ पे घर मकान या प्लॉट जो को जो है आप परचेज खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, जाते जाते यही कहना चाहेंगे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं ताकि जर्मिन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।